वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे निजगल फोर्ट। जो एक नई और जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ट्राई करते हैं आपको हर चीज़ बताने के लिए। और बाइक हमने पार्क कर दी है यहाँ पे, और ये एक होटल है, होटल जय हिंद। तो एक्चुअल गूगल मैप जो है वो आपको थोड़ी सी पीछे बताएगा, मतलब ये तुमकुर हाईवे है, यहाँ से जाना है, मतलब आपको मैप बताएगा समवेयर हियर। तो एक्चुअल में वहाँ पर पानी क्रॉसिंग है, से आके गाड़ी यहाँ पर होटल के सामने आप पार्क कर दो, फिर आप यहाँ से अपना ट्रैक चालू कर सकते हो। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि होटल है, यहाँ पे होटल है, और यहाँ से हम जा रहे हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके का ये रेलवे है, और नीचे रेलवे क्रॉसिंग टाइप का इस तरीके का, तो वहाँ पे भी था। और एक्चुअल में हमें ट्रैक करके यहाँ पे जाना है, पर पानी जा रहा है तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कितना डेप्थ है, तो इसलिए हमने बाइक यहाँ से लेके नहीं गए हैं, पर एक्चुअल गूगल मैप इस तरफ से रास्ता बता रहा था। हाईवे है, यहाँ से अपन आए हैं, यहाँ पे हमने बाइक पार्क की है, और ये एक रोड लिया ऐसे करके, और यहाँ पे हम ऐसे आए हैं। ये पूरा रेलवे ट्रैक से इस तरफ भी पूरा यहाँ पे। ये भी एक देखो यहाँ पे स्टेप्स है, इस तरीके से आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो। थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, और हर तरफ पूरा ग्रीनरी है मेरा, पूरे आप आसपास देखोगे तो पूरा ग्रीनरी है। पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी। अगर अपन बाइक से आते ना तो यहाँ से इस तरफ से आ रहे होते ऐसे करके, और इस तरफ से रास्ता जाना था आगे, बट अनफॉर्चुनेटली पानी ज़्यादा होने की वजह से अपन नहीं गए हैं। ये पाथ से ऐसे आ रहे हो, ठीक है, और ये एक स्ट्रेट रास्ता चल जाता है, और यहाँ से आपको ऊपर जाना है, मतलब यहाँ से ऊपर जाओगे, और यहाँ पे देखो साइड में ना कचड़ा वचड़ा फेंका हुआ है, देखो इस तरफ यहाँ पे, और यहाँ से आपने स्ट्रेट जाना है हल्का से ऊपर, और आगे जाके एक मड वाला रास्ता आएगा, उससे आप लेफ्ट लेके ऊपर जा सकते हो पूरा लैंप पोस्ट के पास में। तो एग्जैक्टली हर तरफ से मार्किंग नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के समझ के आना होगा। क्योंकि गाइस अभी मॉनसून का सीज़न है ना, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। एक तो एक्चुअल कोई प्रॉपर पाथ नहीं है ऊपर ट्रैक करने के लिए, और ऊपर से बारिश हो रखी है, और इस तरीके के पत्थर टाइप के हैं, तो इसमें कैसा है ना कि बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप चप्पल पहन रहे हो, शूज़ पहन रहे हो, या कुछ भी पहन रहे हो, उसमें ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है। धीरे धीरे आ गए हैं, और
कुछ फ़ोटो सेशन चल रहे हैं और यहाँ पे ना हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे जाना कैसा है। यहाँ पे पूरा मडी हो रखा है भाई, जूते वूते गंदे होने वाले हैं पूरे भयानक टाइप से, क्यों नितिन? करेक्ट। व्हाट अबाउट यू कैमरामैन? करेक्ट। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये देखो इस तरीके की जो झाड़ियाँ हैं इस पे बहुत सारे कांटे वाली झाड़ियाँ हैं तो ये फंस सकते हैं, तो एक बार ध्यान से बिल्कुल आपको पकड़ने से पहले और यहाँ से क्रॉस होने से पहले। जब हम ये रास्ते पे पहुँचे तो रियलाइज़ किया कि भाई ये गलत पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं, फिर से ऊपर से हमने सांप देख लिया और फिर हम वापस जाने लगे यहाँ से कि सही रास्ता किस तरफ है, और आपको आगे दिखाते हैं एग्जैक्टली हमने कैसे पाथ ढूंढा और फिर उसको फॉलो किया। बेबी स्नेक We'll just tell hi for that. She loves that snake and she didn't know that it is poisonous. Okay. It's okay. Yahan pe nagin dance chal raha hai, nagin dance. Okay, paaje. जब हम ऊपर से चढ़ रहे थे तो हमें दो रूट नज़र आ रहे थे। एक तो पहला ये था कि थोड़ा सा पत्थरी मतलब सरफेस था उसके ऊपर से जाना था, और एक मडी रोड था, तो हमने गलती से वो रूट ले लिया और आगे जाके वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो फिर से हम वापस आए हैं और ये एक रूट हमें मिला और यहाँ पे एक लैम्प पोस्ट है, तो अभी हम इसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बंदे का डेडिकेशन देख के ना मुझे लग रहा है कि मुझे नेशनल ज्योग्राफी कॉल करना चाहिए, इसे वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए नॉमिनेट किया जाए। हम एकदम टॉप पे पहुंचे हैं, तो यहाँ टॉप पे एक मजार भी है और यहाँ पे थोड़ा सा पानी टाइप का है और यहाँ पर एक स्टोन है, व्यू काफी अच्छा है। फाइनली डन, अब हम जा रहे हैं नीचे और एक्सप्लोर कर लिया हमने दरगाह, और वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी वानी था, आराम से बैठे फोटो वीटो भी चाहिए। ये देखो बंदर बैठा मेरे सामने, मंकी पता नहीं कुछ खा रहा है, और अब हम जा रहे हैं नीचे। जगह मिल गई है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो ये एक रास्ता था, हम इस तरफ से आए थे, तो यहाँ से ना एक पत्थर वाला थोड़ा रास्ता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये एक पत्थर वाला रास्ता था, तो हमने सोचा कि भाई ऐसे जाके आराम से ऐसे ऊपर चले जाएंगे, बट ये गलत रास्ता है, हमने एक्सप्लोर किया, आप मत जाओ इस तरफ, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको इस तरफ से जाना है, आगे जाके आपको एक प्रॉपर रास्ता मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप लैम्प पोस्ट देख सकते हो, लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट से आप आराम से ऊपर जा सकते हो। और एक बेस्ट बात इस प्लेस की है कि आप जब भी बैंगलोर से तुमकुर की तरफ जाओगे ना, तो आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में निजगढ़ हिल को बहुत बार देखा होगा,
तो अगर आपके पास टाइम है और आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो अब बहुत अच्छी जगह है, आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो इस प्लेस को। जब भी आप आ रहे हो तो काफ़ी मतलब दो चार लोग के साथ आओ, और बहुत सारे मतलब छोटे मोटे कीड़े मकौड़े, हमने एक सांप भी देखा था अभी जस्ट, और काफ़ी हिसाब से जहाँ पर भी आप चल रहे हो वॉक करो नीचे भी ध्यान दो और आसपास में भी ध्यान दो और अपनी ख्याल रखो, आराम से अपनी सेफ्टी को देखते हुए आराम से ट्रैकिंग करो, बड़ा मज़ा आएगा। फाइनली डन विद द ट्रैक और अभी हम जा रहे हैं, बाइक उठाएंगे और टाइम कितना हो गया, टाइम 11 बज गए हैं, 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे खाना वाना करना है, सो डायरेक्टली लंच करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ना मतलब ये हाईवे है और यहाँ पे पूरी पार्किंग हो रखी है, देखो यहाँ पे ये होटल का नाम है होटल जय हिंद, और यहाँ पे ना एक वॉशरूम भी है, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ भी है, आराम से आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। तो जब हम सुबह पे आए थे ना तो सुबह में उतनी भीड़ नहीं थी, सिर्फ दो तीन लोग थे, बट जैसे जैसे हम पहुँचने लगे मतलब अभी 10:30-11 बज रहा है, बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो आप अगर आना चाहते हो तो सुबह सुबह आ जाओ, क्राउड कम रहता है, आराम से एक्सप्लोर कर पाओगे सारी चीज़ों को। चाय बड़ी अच्छी बनाई है भाई ने, जब भी आप आओ यहाँ घूमने के लिए चाय ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल पानी नहीं है, सिर्फ दूध में चाय बनी है, कतल है, कतल चाय, कतल है। विलास भाई क्या बोलना चाहेंगे चाय के बारे में? जबरदस्त, अरे खतरनाक। आके भाई पी लिया करो यहाँ पे थोड़ा, है ना? जितने की चाय नहीं है ना उतना का तेल लग जाना है। अरे भाई पैसे की कमी नहीं है। चाय भी पी लिया, जूस भी पी लिया, अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। लंच के लिए और होटल की ना बड़ी एम्बियंस बड़ी अच्छी सी है, वो शेयर करते हैं आपके साथ। तो जैसे आप उतरोगे यहाँ पे बाइक वाइक पार्क है, यहाँ पर एक हट बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटे छोटे ऐसे इस तरीके के हट्स बने हुए हैं, आराम से मस्त खा सकते हो। देखो इस तरफ भी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कनाडा में झोपड़ी, मतलब होता है हट, और ये हट शेप का ही है पूरा, और मस्त अंदर आप आराम से दोनों तरफ चेयर लगे हुए हैं, 6 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, छोटी सी लाइट है, शायद रात में जलती होगी, फिलहाल नहीं चल रही है, और एम्बियंस बड़े गुड है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे भी सेम है, ये देखो इस तरीके से, ये थोड़ा सा डाइनिंग बड़ा है शायद, ये भी 6-7 लोग बैठते होंगे आराम से यहाँ पर भी है, ये भी मस्त है, बट इसका जो व्यू है ना देखो यहाँ पर एकदम रियल विलेजी टच दी हुई है पूरा, एकदम बड़ा सही लग रहा है। ये 4 लोगों वाला है शायद, वॉल कितने सही लग रहे हैं यार, फोटो बड़ी अच्छी आएगी, इसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है इसका, और एकदम छोटा सा फॉरेस्ट या एकदम छोटा सा विलेज बोल लो, छोटे छोटे हट्स ये वो इस तरीके से, बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी एम्बियंस जो है ना ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई छोटे से गाँव में हैं और बहुत सारे आस पास छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं और उसमें आराम से बैठो और लंच या डिनर का मज़े उठाओ। अगर आप लंच प्लान कर रहे हो यहाँ पे तो ये रेस्टोरेंट दिन के 12 बजे खुलता है, तो शायद ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाएगा, डायरेक्ट लंच के लिए होता है। तो हम ऑलमोस्ट आए हैं अभी, 11:45 हो रहा है और 12 बजे लंच स्टार्ट होगा, फिर हम ऑर्डर दे पाएंगे।
एक्सप्लेन मतलब क्या है इस रेस्टोरेंट का कैमरा मैन टेल एक्सप्लेन मड़ी हल्ली माने मींस इट्स अ विलेज मेमोरी दैट्स ऑल वाह भाई क्या बात है एंड आई टेल यू एवरीवन यूज फोन्स ओके ऑयल ऑन द फेस विल गेट रिमूव्ड एंड यू विल स्टार्ट ग्लोइंग okay so there will be no use of like putting this lights and all lights and all what is this lights and all haji has so sponsored video नहीं इसने फ्री में प्रमोशन किया फ्री में प्रमोशन किया हमें मिला है पहला ये वेलकम ड्रिंक एक काइंड ऑफ रसम है पर रसम नहीं है एक पानी में मैगी मसाला मिला के गर्म फैलाया हुआ है और हल्दी अच्छी दिख रहा है अच्छा है मैगी मसाला हल्दी इट्स लाइक गो कोरोना गो ड्रिंक गो कोरोना गो इट्स या करेक्ट गो कोरोना गो ये है जी पनीर चिली और ये है भाई अपना चिल्ली चिकन उल्लास में कैसा लग रहा है लेमन मैं टेस्ट करके बताते हैं बताइए भाई ये टेस्ट कर लो पहले नॉर्मल का सही है क्या टू गुड ओके डोंट भाई अपना कर्मी कबाब अपना बटर चिकन और ये अपना बटर नान है और ये अपना चिकन कोल्हापुरी है ये भाई कुलचा और ये अपना मशरूम मसाला अब टेस्ट करके देखते हैं कैसा है बड़ा सही है इसके जो मसाले हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट है मतलब नॉर्मल जो रेस्टोरेंट में अपन टेस्ट मिलता है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है 1 2 3 गो गाइज ये ट्रिप का सबसे फनी पार्ट था हम यहाँ पे गोली सोडा को खोलने की कोशिश कर रहे थे बट वो खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी फाइनली वो बॉटल खुली और हमने इस मूवमेंट को बड़ा इंजॉय किया फाइनली डन विद द फूड फूड बहुत अच्छा था मतलब पैसे के हिसाब से मतलब वैल्यू फॉर मनी थी टेस्ट भी बहुत अच्छा था अब हम जा रहे हैं वापस बैंगलोर होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबाएं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट संडे को ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग ट्रैवलिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय